बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 83 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 3 है और एक्सरसाइज 3.3 के हम क्वेश्चन 3 पर बात करेंगे इस लेक्चर में। वो आपसे कह रहे हैं फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल। ध्यान से देखें, जब आपसे कहे कि मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करें तो टोटल टर्म्स गिवन होंगे 2। देखें ज़रा, 20 और 45 टू टर्म्स हैं, एक ये और एक ये टू टर्म्स हैं, ये और ये एक टू टर्म्स हैं, ये और इसमें भी कितनी टर्म्स हैं, टू, दरमियान में कॉमा लगा हुआ है। तो जब आपसे कहे कि मीन फाइंड आउट करें तो टू टर्म्स गिवन होंगी और जो गिवन होंगी याद रखें वो एक्सट्रीम गिवन होंगी। कौन सी गिवन होंगी? एक्सट्रीम, ये मैंने लिखा। इसमें ये ए और सी गिवन होंगी, बी जो है ये आप सपोज करेंगे। और जब भी आपसे कहे कि आप मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करें तो आंसर दो आया करते हैं, टू आंसर आएंगे। ठीक, एक्सट्रीम गिवन है, दोनों एक्सट्रीम गिवन है, मीन आपने फाइंड आउट करना है सपोज करके, और मीन को हम हमेशा सपोज करेंगे एम। लेट द मीन प्रोपोर्शनल को आपने सपोज करना है m, ठीक, और आपने उस m को जैसे ये b टू टाइम्स लिखा हुआ है इसी तरह टू टाइम्स लिखना है। a और c गिवन है, वो जो m आपने सपोज किया है, यहां पर b जो है वो मीन है, तो मीन यहां पर हमने m रखा है, तो आपने उस m को टू टाइम्स लिखना है। मैंने लिखा 20 रेशो m प्रोपोर्शन एम रेशो 45। ओके, और अगर पहला क्वेश्चन होता तो वो डिफरेंट है। जब आपसे वो कहता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करें तो आप सेकंड को टू टाइम्स लिखते थे, ठीक है। यहां पर आपने चूंकि एम फाइंड आउट करना है मीन प्रोपोर्शनल, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। m को m से मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा m square is equal to 20 multiplied by 45। एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई होगा, 20 45 से मल्टीप्लाई हो गया। m को m से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना है? m square। ओके, m square is equal to, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 900। हमें तो m square नहीं चाहिए, हमें तो m चाहिए, जाहिर है हमने m रखा हुआ है। तो स्क्वेयर का जब आप स्क्वेयर रूट लेते हैं तो याद रखें प्लस भी आता है और माइनस भी, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कितने आंसर आएंगे? टू। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स इम्प्लाइज दैट, डाल लें बेशक एम स्क्वेयर, साथ हम प्लस माइनस पहले स्टेप में ही लिख देंगे। 900 का जो स्क्वेयर रूट है वो कितना आएगा? ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। दो आंसर हैं इसके, एक प्लस 30 और एक माइनस 30। इसमें भी हम m सपोज करेंगे। लेट द मीन प्रोपोर्शनल दैट इज इक्वल टू m। मीन प्रोपोर्शनल को आपने क्या सपोज किया है? m। मेरे पास लिखा जाएगा 20 एक्स क्यूब वाई फाइव रेशो m प्रोपोर्शन m रेशो 5 एक्स 7 y। मार्कर चेंज कर लूं मैं। ओके, अब हम करेंगे क्या, इस m को इस m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, अब पहले लिख लें प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इस m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारे पास आएगा m स्क्वेयर, किस m को किस m से, ये जो मीन वाला मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारे पास बनेगा m स्क्वेयर इज इक्वल टू 20 एक्स 3 वाई 5 और 5 एक्स 7 वाई। ओके, m एज इट इज, सॉरी m स्क्वेयर एज इट इज इक्वल टू 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 100,
x3 और x7 तो ये बनेगा x10, y5 और y तो ये बनेगा y6। हमें m स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, m चाहिए। तो हम करेंगे क्या, इम्प्लाइज दैट डालेंगे और साथ लिखेंगे m स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस। जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि आप उसका उसके साथ प्लस माइनस लिखते हैं। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, मेरे पास रह जाएगा m इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट 10, साथ प्लस माइनस लिखना है इसका। जब आप 10 का स्क्वायर पावर 10 का स्क्वायर रूट, तो x रेस्ट पर 5 पावर आधी हो जाएंगे और y रेस्ट पर 3। तो ये आपका आंसर, दो आंसर है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। इसी तरह उसमें भी हम करेंगे, लिखेंगे लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल, नो गलत कह रहा हूं मैं, लेट द मीन प्रोपोर्शनल, मीन फाइंड आउट कर रहे हैं हम। असल में बहुत गर्मी है और रात के 2:10 हो गया, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और यहां एसी भी नहीं है। लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एम। अब आपने करना क्या है, m को आपने मीन की जगह पर 2 times लिखना है। हमारे पास आएगा 15 P4 Q R cube ratio m proportion m ratio 135 Q5 R12। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ओके तो m स्क्वायर ये कैसे है, इस m को इस m से मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट्स में किया, इज इक्वल टू 15 × 135 और मैंने ऐसे ना लिखूं जी 15 P4 Q R cube, साथ आपका आएगा 135 Q5 और R12, ओके m स्क्वायर इज इक्वल टू 15 को 135 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर है मेरे पास करीब से मिल गया मुझे, 135 मल्टीप्लाइड बाय 15 ये आपका बनेगा 2025, यस 2025, ओके P4 ठीक है, Q8 ये और एक ये, तो Q6, R cube और R12, ये R15, ये मैंने क्वेश्चन कहीं गड़बड़ लिखा, मैं देखता हूँ बुक पे, मुझे लगता है कि R cube और R7 है, ये मैंने 12 क्यों लिख दिया भाई, ये R7 है, ओके ये 7 है, तो 7 और 3 10, तो R कितना, ये 7 है, R10 है, ओके। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो m चाहिए, m स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट प्लस माइनस 2025 P4 Q6 R10 इसका स्क्वायर रूट था। जाहिर है ये वाला स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास आएगा, आगे लिख रहा हूँ नीचे अगला वो मैंने क्वेश्चन करना है, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आएगा 2025 का जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2025 ये आप बन का 45, तो प्लस माइनस 45 पी स्क्वायर पावर आधी हो जाती है, पी स्क्वायर क्यू क्यूब और आर फाइव ये आपका आंसर। अब इस लेक्चर का ये वाला पार्ट रह गया, आपने बिल्कुल उसी तरह से लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एम, मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एम, मीन प्रोपोर्शनल को आपने क्या सपोज किया है, एम तुम्हारे पास आएगा एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर रेशो एम प्रोपोर्शन एम रेशो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई. तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. मीन मैंने पहले लिखा इसलिए कि हमें मीन चाहिए था. एम को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा एम स्क्वेयर. तो हमारे पास लिखा जाएगा ये एम स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इनटू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई. एक्चुअली अब इस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई. तो लिखने लगा मैं एम स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मैंने लिखा और साथ लिखा एक्स प्लस वाई. एक एक्स माइनस वाई पहले से था डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई. तो ये वाला जो एक्स प्लस वाई है ये कैंसिल हो गया. एक्स प्लस वाई कैंसिल विद एक्स प्लस वाई. हमारे पास क्या रह गया एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर एम स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई. हमने बोथ साइड पर ये देखे ना x माइनस वाई और x माइनस वाई टू टाइम्स था तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं. हमें m चाहिए तो उस m के लिए आप बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे. एक स्टेप मेरे पास जगह नहीं है तो मैं स्किप कर रहा हूँ. m इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस वाई ये आपका आंसर. एक स्टेप में आपने सिर्फ क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है ऐसे और साथ प्लस माइनस लिख देना. तुम्हारे पास जो आंसर है दैट इज एक्स एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस वाई. ये वाला लेक्चर नंबर 83 जो है कंप्लीट हुआ. एक क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का वो मैं आपको अगले लेक्चर में कराता हूँ. अल्लाह आपका हामी और नासिर हो. जज़ाकअल्लाह. अल्लाह हाफिज़.